हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं ट्रिपल सी क्रैश कोर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पिछले सेशन मैंने कवर किया था। अब एक सीरीज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये सेशन होगा, आप एक सीरीज से देखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज यूनिट के बारे में बात हो रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा समझते चलो। दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट। दिस यूनिट सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू द अदर यूनिट, यानी ये सप्लाई करता है अदर यूनिट को अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज, इसको हम कहते हैं हम इंटरनल स्टोरेज, यानी अंदर होता है स्टोरेज। और मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज आर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इट इज़ साइज अ फैक्टर, स्पीड, पावर, कैपेबिलिटी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर टू टाइप ऑफ मेमोरी एंड द कंप्यूटर। मतलब क्या, कंप्यूटर के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या होता है, रैम होता है, ठीक है, रोम होता है, और कैचेस होता है। कैचेस के बाद होता है रजिस्टर, ठीक है ना, रजिस्टर भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी, मतलब एक्सटर्नल की भी बात कर सकते हैं हम, या इंटरनल भी, दोनों होता है। जैसे क्या, हार्ड डिस्क के बारे में बात कर ले हम, ठीक है ना, SSD की बात करेंगे हम, और DVD की बात करेंगे हम, ठीक है ना, DVD की बात करें, CD की बात करें, और पेन ड्राइव की बात करें हम, ठीक है, तो और मैग्नेटिक टेप की बात करें, तो ये सब क्या आएगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे, इट स्टोर ऑल द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड द प्रोसेसिंग, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर प्रोसेसिंग, और इट स्टोर फाइनल रिजल्ट आर प्रोसेसिंग बिफोर दिस रिजल्ट आर रिलीज टू द आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और ऑल इनपुट एंड आउटपुट आर ट्रांसमिटेड थ्रू मेन मेमोरी, जितने भी इनपुट और आउटपुट होते हैं वो मेन मेमोरी से ही ट्रांसमिट होते हैं। मतलब जितने भी हम काम करते हैं ना, टेम्पररी काम करते रहते हैं, मेन मेमोरी में ही जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा समझते चलो इसको। दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। मतलब ये क्या करता है, ये कंट्रोल तो करता है, ठीक है ना, हर कंप्यूटर के पार्ट्स को, बट किसी डेटा को एक्चुअल कैरी नहीं कर पाता। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, यानी जिम्मेदारी इसकी होती है कंट्रोल करना, ट्रांसफर करना डेटा को, इंस्ट्रक्शन देना, ओके, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको मैनेज करना। इट ऑब्टेन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, इंटरप्रेट एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद हम बात क्रॉस और कर लेते हैं यहाँ पर, क्या चीज़ कि ये इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोसेस को, मतलब प्रोसेस नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा, केवल कंट्रोल करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे ALU, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, इसे अरिथमेटिक करना और लॉजिकल ऑपरेशन उनको परफॉर्म करेगा। क्या होता है ये, अरिथमेटिक सेक्शन। फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, और डिवीजन मतलब भाग देना। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कोई भी हो तो वो रिपीटिव वाले ऑप्शन होंगे तो अरिथमेटिक सेक्शन के अंतर्गत आएंगे। बाद हम बात करें लॉजिक क्या है, लॉजिक को समझ लो। लॉजिक मतलब क्या होता है कि फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन सच एज कंपेरिजन करना, सेलेक्टिंग करना मशीन, यानी क्या मतलब, जैसे अगर आप कंपेयर की बात करें, सेलेक्ट करना कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है ना, ये क्या है कंपेरिजन, तो इसको बोलते हैं लॉजिक। ओके, और अब हम कवर करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मोस्टली क्या होता है, मॉनिटर होगा, ग्राफिक्स प्लॉटर होगा, प्रिंटर होगा, और ठीक है, और प्रोजेक्टर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, ये इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे मॉनिटर की बारे में बात कर रहे हैं हम। मॉनिटर क्या है, कॉमनली कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी इसको वीडियो भी कहते हैं, ठीक है, CRT भी कहते हैं। ठीक है, आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का मेन आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि यहीं पे रिजल्ट हमें दिखाई देता है। इट फॉर्म इमेज फ्रॉम टीनी डॉट्स, ठीक है, डॉट डॉट से बना होता है, और कॉल्ड पिक्सल, जैसे कोई इमेज होता है ना, मान लो जैसे हमारे पास इमेज होता है, और इमेज जब हम फोटो खींचते हैं, जूम करते हैं तो फट जाता है ना, तो फटता नहीं है, ख्याल रखना, ये जो बीच में डॉट डॉट से बना होता है ये चीज़, ठीक है, तो जब हम जूम करते हैं तो बीच का जो डॉट डॉट पॉइंट है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो पिक्सल उसको बोलते हैं हम लोग। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है RT यानी CRT फॉर्म यानी कैथोड रे ट्यूब, और एक होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, एक होता है LED, ठीक है ना, LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, एक होता है LCD मतलब
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ओके, वीडियो भी बोलते हैं और GUI भी बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा समझ लो जो CRT क्या है। जो पुराने ज़माने के जो हमारे पास होता था कंप्यूटर, यानी जो पीछे जो बैक साइड निकला होता था ये वाला, ठीक है ना, ये वाला कंप्यूटर, इसको बोलते हैं क्या, ये CRT कंप्यूटर था, ठीक है ना। अगर आपने तिरंगा मूवी देखा होगा, ठीक है, तो उसमें मिसाइल को चलाने के लिए वो कंप्यूटर यूज़ किया गया था। ये काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, दिखा यहाँ पर, लार्ज इन साइज़, हाई पावर कंजप्शन, बिजली की खपत ज़्यादा, बिजली की खपत करता है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है ये टीवी के आकार के जैसा। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर क्या होता है, ठीक है, यानी क्या। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर टू अ क्लास फॉर वीडियो डिवाइस दैट हैव रिड्यूस वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वेटेड एंड पावर रिक्वायरमेंट इज कंपेरिजन CRT, यू कैन हैंग देम ऑन वॉल, यानी आप दीवार को उस पर टांग भी सकते हो, ठीक है ना, फ्लैट वाले, जैसे LCD LED की बात हो रही है, और वी आर, यानी आप इसको मोबाइल के रूप में भी पहन सकते हो, ठीक है ना, कैलकुलेटर की तरह हो सकता है, वीडियो गेम हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ग्राफिक डिस्प्ले हो सकता है। इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि MSU, यानी MSU डिस्प्ले और डिवाइस दैट कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट, ठीक है ना। एग्जाम्पल प्लाज्मा पैनल LED की बात हो रही है, लाइटिंग एमिटिंग डायोड। और Non-MSU क्या होता है, Non-MSU डिस्प्ले आर ऑप्टिकल इफेक्टेड टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक्स पैटर्न, इसे LCD की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ओके, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, जिसको आप देख सकते हो अच्छे से। ये क्या है, जो मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, जो किसी भी डेटा को क्या करता है, हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है, और दूसरा काम भी करता है स्कैनिंग करने का, ठीक है ना। अब समझो इसको, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर। पेपर पर जब कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट होता है उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। ये क्वेश्चन आपके पास पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। ये दो टाइप का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो थ्रो बेस पे काम करे, मतलब स्ट्रोक बेस पे, जैसे प्रहार होता है ना, ठीक है ना, उस पे काम करे। और दूसरा था नॉन इम्पैक्ट, मतलब जो स्मूथली वर्क करे। अब इसको समझ लो, इम्पैक्ट प्रिंटर, द इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर बाय स्ट्रिकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस ऑन द पेपर। जब हम पेपर पे प्रिंट, मतलब आपने देखा होगा एक चीज़, टाइपराइटर में क्या होता है, जब प्रेस किया जाता है तो एक जाकर की स्ट्रोक जाके लगता है उस पर, तो एक प्रिंट छपता है, यानी एक टेक्स्ट छपता है, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ चीज़ें पॉइंट जान लो। ये वेरी लो कंजप्शन कॉस्ट में, ये आपको सस्ता मिल जाता है, वेरी नॉइजी, मतलब बहुत शोर करता है, क्योंकि ये शोर करेगा, मतलब स्ट्रोक की बेस की बात हो रही है तो शोर तो करेगा ही। यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट, यानी हम अधिक मात्रा में प्रिंट कर सकते हैं एक मतलब मिनिमम रेट में, ठीक है। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर आफ्टर प्रोड्यूस एन इमेज, ठीक है। और प्रिंटर आर टू टाइप, जैसे करेक्टर प्रिंटर, ऑनलाइन प्रिंटर, यानी करेक्टर प्रिंट होगा, एक लाइनिंग प्रिंट होता है, एक होता है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, करेक्टर प्रिंटर के अंदर का थोड़ा समझना, यानी इसके अंदर करेक्टर प्रिंटर यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, इसके अंदर DMP, एक होता है डेजी व्हील। डेजी व्हील क्या होता है, डेजी व्हील एक व्हील की तरह होता है, जैसे फैन आपने देखा होगा, ठीक है ना, ये फैन होता है। मोबाइल आपने देख वो सॉरी आपने टेलीफोन देखा पुराने ज़माने वाला, जैसे कि यहाँ पर पूरा अल्फ़ाबेट लगे होते थे, ठीक है। जब कोई बटन प्रेस किया जाता था तो जा करके ये एक चक्र जैसा घूमता था और जाकर अल्फ़ाबेट उस पर छप जाता था, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है समझ लो, इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दिस प्रिंटर आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ दीज देयर ईज ऑफ प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिकल प्राइस, मतलब ये बहुत ही सस्ता होता था। इच कैरेक्टर प्रिंटेड इन अ फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट हेड्स कॉन्सिस्ट मैट्रिक्स पिंस। इसका साइज क्या था, 5x7 और 7.9 और 9.7 या 9.9, विच कम आउट टू फॉर्म अ करेक्टर दैट इज वाई इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मतलब क्या, जो अल्फाबेट जैसे अक्षर बनता था, ये ऐसे आपको ए बनाना है तो यहाँ पे अल्फाबेट ऐसे ऐसे डॉट होते थे, ठीक है, इससे बन रहा था, ठीक है, इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और एडवांटेज क्या इसका है, इनएक्सपेंसिव, वाइडली यूज,
अच्छे पैमाने पर यूज़ होता है। अदर लैंग्वेज करेक्टर कैन बी प्रिंटेड, इसमें कई लैंग्वेज को प्रिंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज मतलब क्या, स्लो स्पीड, हाँ इसका जो स्पीड है बहुत कम है, पुअर क्वालिटी, क्योंकि जब कोई डॉट डॉट करके आएगा तो क्वालिटी तो अच्छा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, ये वाला देख सकते हो, इसको बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। और ये है लाइन प्रिंटर, आप देख सकते हो इसको, ये पूरा वर्कली काम करता है। और ये है ड्रम प्रिंटर, ठीक है, ये ड्रम की जैसा यहाँ पे बना हुआ है, अलग तरीके से प्रिंट करता है। अब बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की हम बात करेंगे तो हम लेज़र प्रिंटर की बात करेंगे, इंकजेट की बात करेंगे, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर विदाउट यूजिंग रिबन, इसमें रिबन नहीं होता है। दिस प्रिंटर प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, सो एज कॉल्ड पेज प्रिंटर। इस टाइप के जो प्रिंटर होते हैं वो डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, यानी एक पेज प्रिंटर होता है, डायरेक्टली निकल जाता है। लेज़र प्रिंटर जिसे हम लोग जीरोक्स कराते हैं। इंकजेट प्रिंटर मोस्टली यूज़ होता है इमेज, जब स्टूडियो में जाते हैं तो फोटो बनता है ना, तो इंकजेट प्रिंटर से वो निकलता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स की बात बारे में बात करें, फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में ये काफ़ी तेज था। दे आर नो नॉइज, इसमें शोर कम होता है, और हाई क्वालिटी सपोर्ट मेनी फॉन्ट एंड डिफरेंट करेक्टर साइज। अब ये लेज़र प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर जैसे जेरोक्स करते हैं, ठीक है, वो पता हो गया। और इसमें जो डॉट होते हैं, देखो दे आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर, दे यूज़ लेज़र लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट नीडेड टू फॉर्म द करेक्टर्स टू बी प्रिंटेड ऑन पेज। एक चीज़ और समझना, इसमें दो होता है कि लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, जिससे फ़ोटो निकलता है, तो इनमें जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है टेक्स्ट की, वो लेज़र प्रिंटर की अच्छी क्वालिटी आती है। ये एग्ज़ाम में पूछ, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा करता है, ठीक है। यहाँ पे वेरी हाई स्पीड है, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट मिलता है, गुड ग्राफिक्स क्वालिटी मिलता है, ठीक है, और बहुत सारे सपोर्ट करता है फंड को। और अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो एक्सपेंसिव है, यानी खर्चीला है। कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज, हम क्या कर सकते हैं, इनका जो मल्टीपल कॉपी है सिंगल प्रिंटिंग के माध्यम से नहीं कर सकते, ओके। देख लो आपके पास जो लेज़र प्रिंटर है कई टाइप के आते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इंकजेट के बारे में बात करेंगे, हाँ एक और चीज़ जान लो, जो लेज़र प्रिंटर होता है उसमें होता है सिलेंड्रिकल ड्रम, ठीक है ना, जो उसमें स्याही भरी जाती है वो पाउडर होता है, ठीक है, ये होता है सिलेंड्रिकल ड्रम, इसमें स्याही भरी जाती है। कौन सा, पाउडर को बोलते हैं हम लोग टोनर, ओके ना, इसके अंदर पाउडर डाला जाता है इसी पे। और एक चीज़ और जान लो कि जो हम लोग का जो कागज़ होता है, प्रिंट होता है, वो क्या होता है, जब हम प्रिंटर को ऑन करते हैं ना, तो ये जो इसके अंदर जो पाउडर होता है वो हीट होता है, हीट करने के बाद फिर जो कागज़ हम लोग को जाता है, प्रिंटिंग वाला कागज़, उसको भी हीट करता है। और जब दोनों हीट हो जाते हैं, एक लेवल पे आ जाते हैं, तो अक्षर इस पर चिपकता है, ठीक है ना, वरना फॉन्ट ऐसे यूं ही नहीं छप जाता है, ठीक है। अब बात करें इंकजेट प्रिंटर के बारे में, ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर में क्वालिटी अच्छी आती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंकजेट प्रिंटर है, इसका बनावट अलग अलग टाइप का आता है, और इसमें क्या होता है, लिक्विड वाला यूज़ होता है, जो इंक होता है इसका लिक्विड बेस में यूज़ होगा, ठीक है, उसमें पाउडर यूज़ होगा, इसमें क्या होगा, लिक्विड, ओके। और इसी के अंदर 3D प्रिंटर भी होता है, 3D प्रिंटर जिसे यहाँ पे एक्सरे वगैरह निकलता है, और इसे हैंड हेल्ड डिवाइस भी हो जाएगा, जिसे कंडक्टर वगैरह बस में यूज़ करते हैं ना। और एक और होता है POS मशीन भी होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग POS मशीन, जिसे इनवाइस निकलता है ना, आप शॉपिंग मॉल जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, कार्ड स्वाइप करते हो, तो उसके बदले में आपको वहाँ पे स्लिप मिलता है ना, ठीक है, तो वो भी मशीन इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक और होता है प्लॉटर, ठीक है, प्लॉटर का भी इस्तेमाल होता है, यानी ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए, मतलब उससे प्रिंट करना होता है बैनर वगैरह, तो प्लॉटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये रहा वीडियो का एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप वीडियो पे इस सेशन में नए हैं इस चैनल पे, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, इस चैनल को।